नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। कोविड-19 के मामलों में 9वें स्थान पर पहुंचा भारत। भारत में कोविड-19 का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से भारत में 1,65,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार दोनों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़े के बाद भारत 10वें से 9वें स्थान पर कोविड-19 प्रभावितों के मामले को देखते हुए आ गया है। वहां एक्टिव केस के मामले में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। बीते दिन भारत ने तुर्की को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले 24 मई को ईरान को पीछे छोड़कर भारत के 11वें स्थान से 10वें स्थान पायदान पर आ गया था। पिछले 24 घंटे में भारत में 7,466 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 1,65,000 के पार पहुंच चुकी है। कोविड-19 मामले में भारत के ऊपर 8 देश है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, स्पेन, रूस, ब्राजील और अमेरिका का नाम शामिल है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में जितनी तेजी से कोविड-19 प्रभावितों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से 4 से 6 दिन में फ्रांस और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत 7वें स्थान पर पहुंच जाएगा। भारत में प्रभावित जिलों की बात करें तो महाराष्ट्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन समय सीमा में की बढ़ोतरी। बंद के चौथे चरण को खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच भारतीय रेलवे ने पैसेंजर को राहत देते हुए एडवांस बुकिंग के समय सीमा को 1 महीने से बढ़ाकर 4 महीने तक कर दिया है, जिसकी जानकारी रेल मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है और कहा है कि सभी स्पेशल ट्रेन के लिए एडवांस रिजर्वेशन 30 से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। यह संशोधन सभी 30 विशेष राजधानी स्पेशल ट्रेन और 200 विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेन में किया जा रहा है, जो कि 1 जून से प्रभावी होगा। भारतीय रेलवे के अनुसार टिकट रिजर्वेशन द्वारा यह बदलाव 31 मई 2020 से रात 8 बजे से लागू हो जाएगा। वहीं भारतीय रेलवे ने 1 जून से संचालित होने वाली 200 ट्रेनों की सूची जारी कर दी है, जिसमें एसी, नॉन एसी दोनों पर ही पूरी तरह से आरक्षित कोच के परिचालन की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के 5वें चरण में देखने को मिल सकता है और ज्यादा सख्ती। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जहां केंद्र सरकार ने पूरे देश में बंद लागू कर रखा है, वहीं अब 5वें चरण की तैयारी की जा रही है। खबरों की माने तो कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए 5वें चरण में और ज्यादा सख्ती दिखाई जा सकती है, जिसके तहत कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने बीते दिन राज्यों के प्रमुख सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में इस बात पर चर्चा की है, जिसके तहत उन्होंने बंद के 5वें चरण को लेकर विचार विमर्श किया है। वहीं बंद के 5वें चरण में 13 शहरों पर खास नजर बनाए जाने की बात भी कही है, जिसके तहत मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर कुछ ऐसी जगह है जहां पर बंद के 5वें चरण को काफी ज्यादा सख्ती से पालन करवाया जा सकता है। इन क्षेत्रों में छूट मिलने की उम्मीद नहीं जताई गई है। वहीं बंद के 5वें चरण में बैंकिंग और एटीएम सर्विसेज, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोरियर सर्विस, सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, ई कॉमर्स कंपनी, इलेक्ट्रीशियन समेत कई अहम सुविधा मिलने की उम्मीद जताई गई है। आने वाले कुछ दिनों में बारिश दे सकती है लोगों को राहत। बीते कुछ दिनों से गर्मी ने लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ा रखी है। वहीं आने वाले कुछ दिनों में मौसम में राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पिछले 2 दिनों में मौसम में कुछ हल्के बदलाव के कारण लोगों को राहत मिली है। धूप में कमी आने की वजह से पिछले 1 हफ्ते में करीब 8 डिग्री सेल्सियस का फर्क देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ 40 डिग्री के पार टेम्परेचर भी दर्ज किया जा चुका है। वहीं अब 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटे में बारिश होने के आसार जताए गए हैं, जिसे लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है। ट्रंप ने एक बार फिर से की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की दोस्ती जग जाहिर है। दोनों नेता आए दिन एक दूसरे की तारीफ करते नजर आते हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्यंत सज्जन व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि मुझे भारत के प्रधानमंत्री बेहद ही पसंद है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ट्रंप ने उक्त बातें बीते दिन ओवल कार्यालय में व्हाइट हाउस के संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कही है। इतना ही नहीं, दोनों नेता आधिकारिक तौर पर तो एक दूसरे से मुखातिब होते ही रहते हैं, बल्कि निजी तौर पर ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीबी माने जाते हैं। ट्रंप ने आगे कहा है कि मैं जानता हूं कि मैं भारत में लोकप्रिय हूं, भारत के लोग मुझे पसंद करते हैं, निश्चित रूप से वह मुझे इस देश की मीडिया से अधिक पसंद करते हैं। ग्रेजुएटेड सब्जी विक्रेता कर रहा गरीबों की मदद। यह वाक्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद का है, जहां पर एक ग्रेजुएटेड सब्जी वाला ठेला लगाकर सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सब्जी वाले ने अपने ठेले पर लगाए बोर्ड पर लिखा है, संभव हो तो सब्जी खरीदे, नहीं तो मुफ्त में ले जाए। यह शब्द ठेले के पास से गुजरने वाला हर आदमी बोर्ड को देखने पर मजबूर हो गया है। खबरों की माने तो सब्जी बेचने वाला यह युवक राहुल ने ग्रेजुएशन कर रखा है और बंद के पहले एक निजी कंपनी में काम करता था। बंद के बाद जो कंपनी ने वेतन देना बंद कर दिया है, तो राहुल ने अपने माता पिता के साथ सब्जी बेचने का फैसला किया। पहले तो सब्जी विक्रेताओं की तरह बाजार की कीमत पर सब्जियों को बेचना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे राहुल ने अपना फैसला बदलकर जरूरतमंद और गरीब लोगों को मुफ्त में सब्जी देने का फैसला किया, जिसके बाद उसकी तारीफ कोने कोने से की जा रही है। वहीं राहुल ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक महिला ने उनसे 5 रुपए की सब्जी की मांग की थी, जिस पर राहुल ने उस बुजुर्ग महिला को जितनी सब्जी की जरूरत थी उसे मुफ्त में दे दी थी। लॉकडाउन 5 को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने की मुख्यमंत्रियों से बातचीत। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण बंद के 5वें चरण पर चर्चा की जा रही है, जिसके तहत गृहमंत्री अमित शाह ने बीते दिन राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी और बंद का विस्तार किए जाने पर सोच विचार किया था। हालांकि अभी बंद को लेकर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए बंद के 5वें चरण के होने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि बंद के साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश करके कुछ उद्योग में छूट देने की कोशिश भी कर रही है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने में मदद मिल सके। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कोविड
19 के बढ़ते प्रभाव की भी जानकारी दी है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 4531 लोगों की जान चली गई है। वहीं 86110 सक्रिय मामलों की पुष्टि की गई है। बुक माई शो ने 270 लोगों की नौकरी से हटाया। कोविड 19 के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सड़कों पर आ गई है। वहीं कारोबार काफी हद तक बंद है। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने छूट तो दिया है, मगर कुछ क्षेत्रों में छूट देना असंभव है, जिसमें सिनेमा टिकट बुकिंग का नाम शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए बुक माई शो ने अपने ब्रांच में 270 लोगों को नौकरी से हटाने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत कंपनी ने यह बताया है कि कोविड 19 के कारण और उसके रोकथाम के लिए लगाए गए बंद में आने वाले महीने में राजस्व पर बड़ा असर पड़ने का आशंका जताया गया और इसी के मद्देनजर 270 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है और कुछ को इनमें से छुट्टी पर भेज दिया गया है, जिसके लिए कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को ईमेल भेजकर इस बात की जानकारी दे दी है। वहीं कंपनी के मुख्य कार्यकारी आशीष हेमराजानी ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल की जानकारी देते हुए कहा है कि हमें आने वाले महीने में राजस्व में काफी कमी आने की आशंका के अनुरूप हमने लागत को कम करने के लिए यह कदम उठाना पड़ा है। सिर्फ इसी कंपनी नहीं बल्कि ओला उबर जैसी कंपनियों ने भी छंटने की है। पंजाब मॉडल की तारीफ हो रही है अमेरिका तक। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बायो स्टैटिस्टिक्स और कोविड 19 विशेषज्ञ प्रोफेसर मुखर्जी ने भारत में कोविड 19 प्रभावितों के 20 राज्यों पर एक शोध किया है, जिसके मुताबिक केरल के अलावा पंजाब और दूसरा राज्य है जिसने कोविड 19 पर तुलनात्मक रूप से बेहतर काम किया है, जिसके तहत उन्होंने केरल को डूइंग वेल यानी कि अच्छा काम करने वाले राज्यों का उदाहरण मानते हैं, जिसके तहत उन्होंने लॉकडाउन इफेक्ट्स ऑन कोविड 19 स्प्रेड इन इंडिया का डेटा तैयार किया है, जिसमें उन्होंने पंजाब का जिक्र केरल राज्य के साथ किया है। पंजाब और केरल के नाम पर उन राज्यों की सूची में शामिल किया गया जहां राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है, इसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि मॉडलिंग डेटा के आधार पर पंजाब का रिप्रोडक्शन रेट पिछले 7 से 10 दिनों में आर नंबर 1 से नीचे रहा है। यह दर कभी 0.5 तो कभी 0.7 फीसदी ही रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर काम कर रहा है। गोवा में 15 दिन और बढ़ा जा सकता है लॉकडाउन। 31 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन के चौथे चरण को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आगे बढ़ाने का ऐलान जारी कर दिया है, जिसके तहत अब गोवा में 15 दिन और बंद की अवधि को बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसके बाद पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि बंद के चौथे चरण के खत्म होने के बाद 15 दिनों को और बंद बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि गोवा के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि देश में कोविड 19 के मरीजों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से फिलहाल बंद को जारी रखा जाना ही सही है। हालांकि उन्होंने गोवा में रेस्टोरेंट, होटल, मॉल्स और जिम खुलवाने के बारे में प्रयासरत होने के भी संकेत दिए हैं। हालांकि सोशल के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। गोवा में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल को छोड़कर अधिकांश गतिविधियां शुरू हो चुकी है, लेकिन हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ चीजों को खोला जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया है, क्योंकि गोवा में अभी भी 31 व्यक्तियों के एक्टिव मामले सामने हैं। ऐसे में शनिवार को नई गाइडलाइन जारी होने की उम्मीद जताई गई है। इंग्लैंड खिलाड़ी इयान बाथम ने विराट कोहली की तारीफ। इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी इयान बाथम ने बीते दिन भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली की तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। उनके मुताबिक भारतीय क्रिकेट का नेतृत्व करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प विराट कोहली ही हैं। एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विराट सामने वाली टीम से मैच ले जाते वह अपने खिलाड़ियों के लिए बोलते हैं, मैं उनके खिलाफ खेलना पसंद करता हूं और भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए वह एक सही विकल्प है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लाइव चैट के दौरान बात हमसे जब पूछा गया कि आज के समय में मौजूदा खिलाड़ियों में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को किसे मानते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया था। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण अब पूरे देश में कितने दिनों का लॉकडाउन लागू करना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।